हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजना भारद्वाज फिटनेस ब्लॉगर। तो दोस्तों, रोज़ की तरह मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ आसपास का सारा व्यू, क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ी थोड़ी धुंध पड़ी होती है, काफ़ी अच्छा मौसम होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को आसपास का सारा व्यू भी दिखा दूँ। अच्छा गाइस, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। मैं आपसे कहूँ कि मैंने 15 दिन में 15 किलो कम कर लिया था घर पे रह के ही। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, मैंने घर पे रह के ही अपना 15 दिन में 15 किलो कम कर लिया था। नो डाउट मैं एक्सरसाइज नहीं, मैं वॉक कर रही थी पहले, और मैंने देखा कि यार मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और मैंने अपना 15 दिन में 15 किलो कम कर लिया था। गाइज, ये मैं बताऊंगी आपको मैंने कैसे कम किया। पहले आज जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी वो सारी मैंने करी, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं वॉक लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ। तो स्टार्टिंग में जब मैं बहुत हैवी थी, तो ऑब्वियसली बात है मेरा पेट भी बहुत आगे बढ़ा हुआ था, सब चीज़ें ही बहुत ज़्यादा हैवी थी, मैं बहुत ज़्यादा हैवी होने लगी थी, मुंह भी मेरा मोटा होने लग गया था। बट मैं आपके तक ये चीज़ें तब लेके आई जब मैंने खुद को पतला कर लिया, खुद पे आज माली सारी चीज़ें, तब मैं आपको बताने लगी कि हाँ भाई, मैं अब सबको बता सकती हूँ। ओरिजिनल चीज़ें, फेक कुछ भी नहीं मिलेगा आपको मेरे चैनल पे, सब कुछ मैंने खुद पे आजमाया हुआ है, तब मैं आपके तक लेके आई हूँ कि भाई हाँ, घर पे मैंने 15 किलो कम किया है, मुझे 15 किलो ही कम करना था, सो मैं कर चुकी हूँ। बट मैं एक्सरसाइज रेगुलर करती हूँ बिकॉज ऑफ कि मुझे आने वाले टाइम पे दोबारा हैवी नहीं होना, वेट को मेंटेन रखना है, हेल्दी लाइफ जीनी है, बीमारियाँ खुद से दूर रखनी है। तो गाइस, ये है मेरी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज। थोड़ा सा मैं वॉक वगैरह लेके बॉडी को वार्म अप करके इस तरह की एक्सरसाइज करती थी फर्स्ट वाली, क्योंकि मेरा पेट बहुत आगे बढ़ा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने पेट पे काम करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में मैं अपने पाँव को नहीं छू पाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा दुखती थी मेरी टांगें, मेरा पेट बहुत दुखता था, मैं सिर्फ मुश्किल से नीज से थोड़ा सा नीचे लेके जाती थी, वो भी मुझे थोड़ा सा पेन होने लग जाता था। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद पे ये चीज़ें आजमाई है, तब मैं आपको बता रही हूँ। बट आपने क्या करना है, शुरू कर दो इसी एक्सरसाइज से। बट ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने पैरों को टच किया आप भी कर पा रहे हो, आपने जहाँ तक भी आपके हाथ जा रहे हैं वहाँ तक ले जाने की कोशिश करनी है आपने। और आज 3-4 दिन तक या एक हफ्ता तक आप नहीं टच कर पा रहे हो पैरों को, कोई बात नहीं, जब आपकी बॉडी को और आपको आदत हो जाएगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगेगी, फिर आप आराम से अपने पाँव को टच कर पाएंगे, फिर आप जो है इस एक्सरसाइज के करना 100 सेट। ये नहीं कि जैसे मैं लगातार 50-60 कर लेती हूँ, आपको भी इतने करने, आप 30 करो, थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर 30 करो, थोड़ा सा रेस्ट लो, इस तरह से कम कोशिश करनी आपने 100 सेट कंप्लीट कर लो। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड यूजफुल एक्सरसाइज है हमारे पेट के लिए, हमारा पेट ये बहुत जल्दी अंदर कर देती है। पता है, जब मैं स्टार्टिंग में पतली हुई, मैंने 15 दिन में अपना 15 किलो कम कर लिया, मैं पहले वॉक करती थी, एक्सरसाइज नहीं करती थी, मैं वॉक करती थी, तो मैंने देखा वॉक से मुझे असर नहीं हो रहा है जैसे मुझे चाहिए, तो मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया। थोड़ा बहुत मैंने खाने पीने पे भी ध्यान दिया, मैंने रात का डिनर करना ज़रूरी नहीं समझा, मैं 5:30 बजे खा लेती थी या 6 बजे तक जो भी खाना होता था, उसके बाद मैं अन्न नहीं लेती थी, मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 AM या 9 बजे तक खाती थी मैं। तो गाइस, आपने भी इस तरह से करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं रह सकते खाने के बिना, तो आप 7 बजे तक खाना खा लो अपना, उसके बाद कुछ मत खाओ, और बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खाना है, कोई भी हैवी डिनर आपको कभी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, अगर आप सच में सीरियस हो कि मुझे वेट कम करना है, हेल्दी रहना है, बीमारियां खुद से दूर रखनी है। तो गाइस, जब मैं स्टार्टिंग में पतली हुई ना, तो सब लोग मुझे पूछने लगे यार कैसे पतले होगी, कैसे पतले होगी, क्योंकि उस टाइम ना मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मैंने जब खुद पे सारी चीज़ें आजमा ली, सब कुछ देख लिया, तब मैं आपके तक लेके आई हूँ चीज़ें। तो सारे पूछते थे कि यार दवाई खाई, मैंने कहा यार दवाई तो ना मैं कभी खाऊंगी, ना मैं कभी किसी को रेकमेंड करूंगी कि आप दवाइयों से पतले हो, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारे पूरे शरीर के लिए, बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव डालती हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं आगे जाके। तो आप प्लीज़ इन दवाइयों पर यकीन ना करें, पतला होने के लिए कोई दवाई ना खाएं, नेचुरल वे से, हेल्दी वे से एक्सरसाइज करके, वॉक करके ही अपना वजन घटाएं, यही एकमात्र है, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा वजन बहुत जल्दी कम करेंगी, हेल्दी वे में कम करेंगी, बहुत सारी बीमारियां भी आपसे दूर रखेंगी। दवाइयां मत खाओ, प्लीज़।
तो गाइज आपने, मैं अब आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई अगर आप अपने पैरों को नहीं टच कर पा रहे हो तो आप इस तरह से जहाँ तक भी आपके हाथ जा रहे हैं, नीज तक जा रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करो। इससे भी हमारी बॉडी पे, पेट पे प्रभाव पड़ेगा और हमारा पेट बहुत जल्दी अंदर हो जाएगा। तो आप इस तरह से करना स्टार्टिंग में, अगर आप पैरों को नहीं टच कर पा रहे हैं तो मैंने भी इसी तरह से शुरू किया था। मेरी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज ये वाली होती थी, फिर मैं इसके 100 सेट करती थी। मैं पता क्या करती थी कि मुझे इतना ज़्यादा जुनून आ गया था कि मुझे अपना वेट कम करना है, वेट कम करना है, यार मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैं बहुत अनहेल्दी होती जा रही हूँ, मुझे खुद की शक्ल पसंद नहीं आ रही है, अजीब सी मैं होती जा रही हूँ, आगे जाके पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो जाएगा, इससे मुझे थोड़ा सीरियस होना है अपने शरीर को लेके। तो गाइज मैं 5-5, 4:30 बजे उठ के भी अपना वर्कआउट करती थी। मुझे इतना ज़्यादा जुनून था और मैंने ठान लिया था कि मुझे 15 दिन में अपना वज़न घटाना है तो घटाना है। तो गाइज मैं 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठ के अपनी एक्सरसाइज करती थी। रोज़ मैंने 1-1 घंटा अपने वर्कआउट को देना, उसमें मेरी योगा भी शामिल होता था। ये जो मेरा वेट लॉस के लिए वर्कआउट होता था ये होता था 1/2 घंटे का, और बाकी मेरा 1/2 घंटे का होता था योगा। तो मैंने खुद को 1-1 घंटा दिया मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाना, सारी एक्सरसाइज करना और वही घर का खाना खाना। बाहर की चीज़ें मैं बिल्कुल त्याग चुकी हूँ, आज भी मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाती हूँ, अंडसंड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़। मैं और तो और मैं तो पानी पूरी की भी फ़ैन नहीं हूँ, गोलगप्पे, जो लड़कियाँ फ़ैन होती है ना गोलगप्पे खाने, ये वो, मैं उसकी भी फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनको भी इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि मुझे वो भी एक अनहेल्दी फूड लगता है, क्योंकि वो भी फ्राई करके बनते हैं गोलगप्पे भी, तो मैं उनको भी नहीं खाती हूँ गाइस। मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाती हूँ, तभी आप देख रहे हो मेरी स्किन भी काफ़ी ग्लो करती है, मेरे बाल भी काफ़ी हेल्दी हैं और मैं खुद भी काफ़ी हेल्दी हूँ, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ सिर्फ और सिर्फ घर का खाना और 7 बजे से पहले अपना डिनर करना हल्का फुल्का, बाकी मैं सीजनेबल फ्रूट सब्जियाँ खाती रहती हूँ। तो गाइज यहाँ पे रात को मैंने खूब सारी ऑयलिंग कर ली थी रात को, तो आप भी जो है हफ्ते में 2-3 बार अपने सर पे जरूर ऑयलिंग किया करें रात को अच्छे से तेल लगा के, सुबह मॉर्निंग में अपना सर धोना है आपने, इससे हमारे बाल काफ़ी हेल्दी रहते हैं, झड़ते भी नहीं हैं। एंड गाइज ये मेरी इससे पहले भी मैंने जो एक्सरसाइज की, अगेन वो मेरा पेट बहुत जल्दी अंदर करेगी, और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हमारा साइड फैट बहुत जल्दी अंदर करेगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने सबसे पहले अपने पेट के लिए किया, फिर मैं करूँगी अपने साइड के टायर्स के लिए, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती थी, मैं साइड की तरफ ज़्यादा नहीं झुक सकती थी, तो मैंने इस तरह की एक्सरसाइज से शुरू किया। पर मैं इनके करती थी 100-100 सेट। जी हाँ दोस्तों, मैं अच्छा खासा पसीना निकालती थी। 15 दिन में अगर मैंने 15 किलो कम किया है ना, तो मैंने पता नहीं कितना लीटर पानी बहाया है, पसीना बहाया है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी, इतना ज़्यादा मेरे को जुनून आ गया था कि मैं थक भी जाती थी, मेरी सांस फूल जाती थी, तब भी मैं हटती नहीं थी कि मुझे पतला होना है तो होना है। तो गाइस मैं ऐसा जुनून चाहती हूँ आपके अंदर भी हो, तो इसी तरह से आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। ये मेरी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है, इसकी अगेन आपको 100 सेट करने हैं। मेरा बोलने का मतलब है कि 30-30 या 40-40 के सेट लेके चलो, 100 तक कंप्लीट करो रोज़ सारी एक्सरसाइज के, और खाने पीने का ध्यान रखो, बहुत जल्दी आपको असर दिखेंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था यार मेरे बाल सारे नीचे आ गए, अगर कहीं सुबह सुबह अंधेरे में कोई मुझे देख ले, कोई बोलेगा छत पे चुड़ैल है, मुझे ऐसा लग रहा था यार बालों को देखिए, क्योंकि सारे बाल मेरे नीचे आ गए थे। तो कोई बात नहीं गाइस, ऐसा चलता रहता है ना। और फिर इस एक्सरसाइज के भी आपको 100 सेट करने हैं। मैं 100-100 करती थी, मैं ज़्यादा आपको करके नहीं दिखा सकती, मैं सिर्फ 50-50 दिखा सकती हूँ आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा दिखाने लगूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने इसके किए 50 सेट, फिर लग गई मैं अपना वॉक करने। थोड़ी सी वॉक ले सकते हैं आप 1-2 मिनट की, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लगातार अपना वर्कआउट करते रहें। वॉक लो, अच्छे से रेस्ट दो खुद को, फिर नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज शुरू कर दो। बस मेन फोकस जो है खाने पे भी रखना है, कम तेल का बना हुआ खाना खाना है, मैदे वाली तली चीज़ें मत खाओ, और डिनर जो है बहुत जल्दी कर लो, भूख है तो डिनर कर लो, अगर आपने दिन में अच्छा खा लिया है, आपको नहीं लगता कि भूख है तो मत खाओ, ओवर ईटिंग मत करो। आप खुद देखना 15 दिन में क्या आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट दिख जाएंगे। तो गाइज ये वाली जो मेरी एक्सरसाइज है ना, इसके मैं करती थी, सच बताऊँ आपको मैंने 200 200 या 250 300 भी किए हैं मैंने,
इस एक्सरसाइज के, पर मैंने कैसे किए हैं, 30 करना, थोड़ा सा रेस्ट लेना, फिर 30 करना, 40 करना, थोड़ा सा रेस्ट लेना, अगर हिम्मत हो तो मैं 50 भी कर लेती थी लगातार, बस डिपेंड करता था मेरी बॉडी पे कि मैं कितना कर पा रही हूँ। बट मैंने इस एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा काम किया है, मैंने इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा किया है। मैं 200, अगर बाकियों के मैं 100 कर रही हूँ तो मैं इसके कोशिश करती थी कि 150 या 200 कर लूँ। तो इस तरह से मैंने 15 दिन में अपना 15 किलो कम कर लिया था। गाइस आप भी कर सकते हैं, एक जुनून होना चाहिए और घर का खाना खाना है, रोज़ वर्कआउट करना है, आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। बस आपको जो है एक्सरसाइज को मिस नहीं करना है एक भी दिन, रोज़ वर्कआउट करो आधे घंटे का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप आधे घंटे करते हो लगातार तब भी आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और रात का डिनर हो सके तो स्किप करने की कोशिश करना, या तो 5:30 बजे खा के फ्री हो जाओ 6 बजे तक, आप खुद देखना आपको 4 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। तो गाइज ये फिर से मैंने सोचा रेलिंग के सहारे मैं दोबारा से जंपिंग जैक्स कर लेती हूँ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो दोबारा से मैंने इसके 50 सेट कर लिए। आपको भी इस तरह से रोज़ वर्कआउट करना है। और गाइज आप मेरे को ज़रूर ज़रूर बताना मेरी एक्सरसाइज आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना दोस्तों, क्योंकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो लेके मैं रोज़ आ जाती हूँ। ओके गाइज बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।